हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूँ आपका आप ही के चैनल मेरी ऑनलाइन क्लास पर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12th के लिए हमने प्राइमरी सेल डिस्कस कर रहे थे, और पिछली वीडियो के अंदर हमने प्राइमरी सेल का एक एग्जांपल ड्राई सेल वो भी कंप्लीट कर लिया था। आज हम प्राइमरी सेल का एक और इम्पोर्टेंट एग्जांपल मर्करी सेल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जैसा कि आपको दिख रहा है, मर्करी सेल के बारे में आज हमें पढ़ना है। मर्करी सेल स्टेबल फॉर लो करंट डिवाइसेस, ठीक है, जिसको हम बटन सेल भी बोलते हैं ना, वो सेल। ये ज़्यादातर आपको पता है कहाँ यूज होता है, ये यूज होता है कैलकुलेटर के अंदर, पीसी के अंदर, हेयरिंग एड्स के अंदर, इनके अंदर हम ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। या जो हाथ में जो हम घड़ी पहनते हैं, उस घड़ी के अंदर भी जो हम सेल यूज करते हैं वो सेल है मर्करी सेल। तो मर्करी सेल इज स्टेबल फॉर लो करंट डिवाइस लाइक हेयरिंग एड्स, वॉच, ईटीसी, कंसिस्ट ऑफ जिंक, मर्करी, अमलगम, एज, एनोड। देखो, पहले ही मैं आपको बता देता हूँ, कल भी मैंने आपको ये बताया था कि आपको किसी सेल के वर्किंग को समझने के लिए आपको तीन बातों का ध्यान रखना है। फर्स्ट एनोड, सेकंड कैथोड एंड थर्ड इलेक्ट्रोलाइट। तो मैं सबसे पहले ऊपर लिख देता हूँ कि आपका एनोड कौन होगा। तो जिंक और मर्करी अमलगम जो होगा वो आपके पास एट एज ए एनोड होगा, एक्ट एज एनोड होगा। कैथोड की बात करूं तो आपको लिख लेना है मर्करी ऑक्साइड और जो कार्बन का पेस्ट होता है। कल अगर ध्यान हो तो कार्बन की रोड जो थी, ग्रेफाइट रोड थी, वो हमने यूज किया था एज ए कैथोड। तो उसका कोई यूज नहीं हुआ था रिएक्शन में कहीं भी, तो यहाँ भी मैं नहीं लिख रहा हूँ, इसलिए सिंपल क्या लिख रहा हूँ, मर्करी ऑक्साइड। हाँ, इलेक्ट्रोलाइट जानना बहुत ज़रूरी है। इलेक्ट्रोलाइट जो है वो आपका एक पेस्ट है, किसका? केवच और जडनो, केवच और जडनो का है, पर मेन हमारा इसमें केवच ही रहेगा। मेन हमारा क्या रहेगा? केवच रहेगा। इनको ही अब ध्यान में रखते हुए हम इस सेल के एट एनोड पे क्या रिएक्शन हो रही है, कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रही है, इलेक्ट्रोलाइट किस तरह से काम करेगा, और ओवरऑल रिएक्शन हम निकाल दें। कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसे रिएक्शन करवा दूंगा कि आप नहीं भूलोगे। तो ये हमने जैसा ऊपर लिखा भाई है, एंड ए पेस्ट ऑफ मर्करी ऑक्साइड एंड कार्बन एज द कैथोड, द इलेक्ट्रोलाइट इज पेस्ट ऑफ केवच एंड जेडेनो, द इलेक्ट्रोड रिएक्शन फॉर द सेल्स आर गिवन बिलो। ये रिएक्शंस दे रखी है। अब आप सीधा कहोगे तो जी इतना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अगर हम इसकी ओवरऑल रिएक्शन निकालें सेल की, तो हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। दोनों को ऐड करने के बाद जो इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन आपकी नेट रिएक्शन ऑफ सेल। तो चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं, इसके रिएक्शन को समझते हैं करना कैसे। तो इसको मैं कर देता हूँ एक बार मिनिमाइज, ताकि हमें इस बोर्ड पे कुछ लिखने के लिए जगह मिल जाए हमें। देखिए, फिर से मैं लिख रहा हूँ, तीन चीजें हमें ध्यान रखनी है। एक तो एनोड, तो एनोड तो हो गया आपका जिंक, और कैथोड आपका मर्करी ऑक्साइड, कैथोड आपका मर्करी ऑक्साइड, और इलेक्ट्रोलाइट केओएच, इलेक्ट्रोलाइट केओएच, ठीक है? इसमें देखिए, आपको पता है एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन होती है, ठीक? ऑक्सीडेशन क्या होती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन क्या होती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन क्या होती है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक? ये हमारे पास है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे एट एनोड पे क्या हो रहा है, और इलेक्ट्रोलाइट के ओएच है तो आपको पता है क्या होगा इसके अंदर, के पॉजिटिव और ओएच नेगेटिव। तो अगर हम बात करें एट एनोड की, कि एनोड पे क्या रिएक्शन हो रही होगी, समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो जिंक है
एनोड पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, तो जिंक है वो दो इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लॉस कर देगा, जेड एन टू पॉजिटिव प्लस टू इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। इसके बाद देखिए क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो नेगेटिव पार्ट है यानी जेड एन टू पॉजिटिव, वो आपके पास ओएच नेगेटिव के साथ रिएक्शन करेगा और जेड एन ओ बना लेगा। क्या बना लेगा? जेड एन ओ बना लेगा। अब ये जो जेड एन ओ बनेगा, ये जो जेड एन ओ बनेगा, ये तो हो गया न्यूट्रल। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो मिलकर है वो क्या बना लेंगे, एच टू ओ बना लेंगे। अब ध्यान से समझना, इसको याद रखना बहुत आसान है सेक्शन। कैसे? कि मैंने बोला ऑक्सीडेशन होती है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मैंने जिंक में से दो इलेक्ट्रॉन लॉस करवा दिए। जैसे ही जिंक ने दो इलेक्ट्रॉन लॉस किए, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज ने इलेक्ट्रोलाइट में से नेगेटिव वाले पार्ट के साथ रिएक्शन किया, ऑक्सीडेशन होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जिंक के साथ ऑक्सीजन ऐड कर दिया और जेड एन ओ बना लिया। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? वाटर। बस इस छोटी सी ट्रिक से आप ये रिएक्शन हो गई। अब नेट रिएक्शन एट एनोड देखो, दो रिएक्शन हो गई तो इनको जोड़ने को जोड़ देते हैं, नेट रिएक्शन एट एनोड क्या बनेगी उसकी अगर हम चर्चा करें तो देखिए कैसे बनेगी। तो इनको हम ऐड करें तो जेड एन टू पॉजिटिव से जेड एन टू पॉजिटिव का जो कैंसिल, क्या बनेगा, जेड एन प्लस टू ओ एच नेगेटिव, एरो का साइन लगाने के बाद लिख देंगे जिंक ऑक्साइड प्लस वाटर प्लस टू इलेक्ट्रॉन। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये जो मैं आपको अगर थोड़ा सा वापस इसको क्लियर करना चाहूँ तो ये देखिए, ये रिएक्शंस आपकी एट एनोड वाली, जेड एन प्लस टू ओ एच नेगेटिव, एरो का साइन, जेड एन ओ प्लस एच टू ओ प्लस टू इलेक्ट्रॉन। इसको एक तो आप डायरेक्ट याद रखते हैं, एक मैंने इसके भले ही दो पार्ट में रिएक्शन किया, पर जब रिएक्शन आपको समझ में आ जाएगी तो मुझे नहीं लगता कि इस रिएक्शन को लिखने में और याद करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना आपको करना पड़ेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कैथोड की। अगर हम एट कैथोड की बात करें तो कैथोड पे भी हम क्या करते हैं, जो एनोड वाला जो जैसे इलेक्ट्रॉन लॉस किया वो कैथोड पे पहुंचता है, ठीक वैसे ही मर्करी ऑक्साइड आपका कैथोड है, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन के साथ साथ आपका वाटर भी लॉस हो रहा है और ये दोनों यहां पे कैथोड वाले के साथ रिएक्शन करेंगे। अब कैथोड पे क्या होती है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होती है, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा जैसे ही इस ऑक्सीजन को हटाऊंगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होती है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होती है रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होती है रिडक्शन। जैसे ही ऑक्सीजन हटाऊंगा, मरकरी पर चार्ज आएगा, कितना चार्ज आएगा, टू पॉजिटिव चार्ज आएगा, टू पॉजिटिव जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये न्यूट्रल बन जाएगा, क्या लिख देंगे, एच जी लिख देंगे। ठीक है, अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर वाटर बनाते हैं, तो यहाँ पे एक ट्रिक याद रखना, जैसे यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ओ एच नेगेटिव, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर वाटर बनाते हैं, ठीक वैसे ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन पहले से ही है तो अब वापस क्या बना देंगे, ओ एच नेगेटिव। बैलेंस कर लेते हैं, देखिए ऑक्सीजन दो है तो यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है जी टू आ गया। अब हाइड्रोजन टू है, हाइड्रोजन टू है, इधर दो नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, एड कैथोड आ गया। मैं चाहूँ तो आपको इस कैथोड वाली रिएक्शन को भी एनोड वाले की तरह तोड़ के लिख सकता था, बट मैंने ये समझा है कि आपको ऊपर वाली रिएक्शन समझ में आ गई है, तो ज्यादा बताने की जरूरत नहीं थी, जैसा मैंने आपको कैथोड वाली रिएक्शन बताई है। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया कि एनोड पे रिएक्शन क्या हुई, कैथोड पे क्या रिएक्शन हुई, तो मर्करी सेल की जो ओवरऑल रिएक्शन है वो भी लिख सकते हैं। ओवरऑल रिएक्शन ऑफ सेल की बात करें तो ओवरऑल रिएक्शन में हम क्या करेंगे, देखिए अब दोनों को जोड़ना है, दो इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, एच टू से एच टू कैंसिल हो जाएगा, टू एच नेगेटिव से टू एच नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, जेड एन प्लस मर्करी ऑक्साइड, एरो का साइन, जेड एन ओ प्लस। मैं आपसे अब एक क्वेश्चन पूछता हूं, अगर समझ में आ गया यहां तक तो, वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन ये है कि मुझे ये बताइए कि मैंने दो सेल आपको पढ़ा दी, एक पढ़ा दिया मैंने ड्राई सेल और एक डिस्कस कर लिया मर्करी सेल। जिन्होंने ड्राई सेल नहीं किया है, मर्करी सेल ड्राई सेल नहीं किया, वो पिछले वाली वीडियो देख लें, ड्राई सेल वहां से कंप्लीट हो जाएगा। मर्करी सेल की अगर मैं बात करूं तो अभी हमने डिस्कस किया है, क्या मुझे कोई बता सकता है कि मर्करी सेल की लाइफ ज्यादा होती है या ड्राई सेल की? ड्राई सेल जो दीवार घड़ी जो होती है उसमें हम यूज करते हैं, ट्रांजिस्टर के अंदर यूज करते हैं, रेडियो के अंदर हम यूज करते हैं,
और भी जगह हम यूज करते हैं। जबकि हम बात करें मर्करी सेल की, तो अभी बताया कैलकुलेटर के अंदर, पीसी के अंदर, और जो आपकी वॉच है उसके अंदर, मतलब हाथ वाली घड़ी के अंदर, हेयरिंग एड्स के अंदर, इनके अंदर हम इनका यूज करते हैं। तो आप कहोगे जी बिल्कुल समझ में आ गई यहाँ तक तो बात। तो सुनिए फिर मेरा क्वेश्चन क्या है। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप मुझे ये बताइए कि किसकी लाइफ ज़्यादा है, ड्राई सेल की ज़्यादा है या मर्करी सेल की लाइफ ज़्यादा है। अगर मैं लाइफ की बात करूँ तो आपने आंसर सोच लिया होगा, लाइफ किसकी ज़्यादा है, लाइफ मर्करी सेल की ज़्यादा है। बिल्कुल डेफिनेटली मर्करी सेल की लाइफ ज़्यादा है। आपने कितनी बार कैलकुलेटर के अंदर सेल को चेंज करते हुए देखा है, आपने कितनी बार अपने पीसी के अंदर आपने सेल को चेंज किया है। ठीक है, क्यों लाइफ ज्यादा है उसकी हम बात करें, पर मैं पहले एग्जांपल से आपको क्लियर कर रहा हूं। पीसी के अंदर क्या होता है, जब आपका लैपटॉप की बात नहीं कर रहा, मैं पीसी की बात कर रहा हूं। जो आपका पीसी होता है, जो आपका सीपीयू जिसमें हम यूज करते हैं अलग से, ठीक है ना, लैपटॉप को छोड़ दिया जाए पीसी के अंदर, तो मैं ये बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमारा नॉर्मल जो कंप्यूटर होता है जिसमें सीपीयू का हम यूज करते हैं, उसका अगर हम जो लाइट का जो सोर्स होता है वो हम इलेक्ट्रिसिटी से देते हैं, फिर हम इलेक्ट्रिसिटी बंद कर देते हैं, फिर भी जब दोबारा उसको ऑन करते हैं तो क्या होता है कि जो आपका वहाँ पे टाइम होता है, जो कंप्यूटर की स्क्रीन पर आपको दिखाई देता है टाइम, वो बिल्कुल एग्जैक्ट होता है। तो हमने तो उसको एनर्जी नहीं दी, हमने जो स्विच को बंद कर दिया था उसको एनर्जी कहाँ से मिली। तो उसके अंदर भी एक मर्करी सेल लगा होता है जो घड़ी को चलाने का काम करता है। ठीक है यहाँ तक। अब बात आती है कि लाइफ हाई क्यों है। तो लाइफ हाई इस वजह से है कि आपके पास जो पीछे वाली इक्वेशन देखोगे तो उसमें तो हमारा जो मैग्नीज ऑक्साइड था और पैच था Na4+, वो यूज हो गया था। वो क्या हो गया था, यूज हो गया था। जैसे जिंक था तो ये किस में कन्वर्ट हो गया था, Zn2+ प्लस MnOOH प्लस अमोनिया गैस भी बनी थी। ठीक है, तो ये जो आपके पास इस तरह से हमने इसको बनाया था, इस इक्वेशंस को बनाया था, तो इसमें क्या हो गया कि ये जो आपका इलेक्ट्रोलाइट था, आपको लग रहा है कि इस रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रोलाइट कंज्यूम हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट यूज हो रहा है, और अगर इलेक्ट्रोलाइट यूज हो रहा है तो इसका मतलब इसकी लाइफ कम है। जबकि इस सेल के अंदर देखें तो हमारा इलेक्ट्रोलाइट क्या था, KOH। टोटली की अगर बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट क्या था, KOH प्लस ZnO था। पर ना तो यहाँ पे आपका जो ZnO है वो तो थोड़ा सा फॉर्मेशन सी है, जबकि KOH का कोई यूज ही नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट कंज्यूम नहीं हो रहा, इलेक्ट्रोलाइट खर्च नहीं हो रहा, इलेक्ट्रोलाइट का यूज नहीं हो रहा। इस कारण ये रिएक्शंस आपकी ये शो करती है कि इसकी जो लाइफ है वो लाइफ आपकी क्या है, ज़्यादा है। आई होप आपको ये मर्करी सेल्स जो हमारा सेकंड एग्जांपल था प्राइमरी सेल का, वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में आ गया तो प्लीज़ इस वीडियो को क्या करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए, तो ये दो एग्जाम्पल हमारे था। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, और नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास आता है, चलो थोड़ा सा और इसके बारे में देखो, इसका डायग्राम वगैरह रह गया है, चलो इसको हम चर्चा कर लेते हैं। ये जो आपको रेड वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, ये आपका एनोड हो गया, ठीक। ये ऊपर जो कैप लगा रही है, ये एनोड कैप है, देखा होगा बिल्कुल, ये थोड़ा सा कट करके दिखा रही है। यहाँ पे सेपरेटर लगा हुआ है जो येलो कलर है, जो एनोड और कैथोड को सेपरेट कर रहा है, और ये आपके कैथोड हो गए, ये सेल के एनोड, ठीक। ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, जो अभी बताइए, आपको देख सकते हो बिल्कुल सेम मिलेगी, जिंक प्लस मर्करी ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड प्लस मर्करी, ये लिखा है और कुछ भी नहीं है। द सेल पोटेंशियल इज अप्रोक्सीमेटली 1.35 वोल्ट। हाँ, ये जरूर ध्यान रखना ना कि इसकी जो सेल पोटेंशियल होता है वो कम होता है, जबकि ड्राई सेल का लगभग 1.5 तक हो जाता है। एंड रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग इट्स लाइफ एज द ओवरऑल रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व एनी आयन इन द सोल्यूशन हुज कंसंट्रेशन कैन चेंज ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। बात आ गई, जो मैंने आपको समझाया वही लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, एक बार आप पढ़ सकते हो। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब बात करते हैं सेकेंडरी बैटरी की। सेकेंडरी बैटरी की अगर हम बात करें तो सेकेंडरी सेल आफ्टर यूज कैन बी रिचार्ज बाय पासिंग करंट थ्रू इट इन अपोजिट डायरेक्शन सो दैट इट कैन बी यूज अगेन एंड अगेन, यूज अगेन एंड अगेन। ये ऐसी बैटरी की हम बात करेंगे जिस बैटरी को आप
रिचार्ज कर सकते हो, दोबारा से चार्ज कर सकते हो। इनमें कौन कौन सी आती है? लैपटॉप की बैटरी आती है, मोबाइल की बैटरी आती है, इन्वर्टर की बैटरी आती है, कार के इंजन को रन करने के लिए जिस बैटरी का यूज करते हो वो बैटरी आती है, जितने भी ऑटोमोबाइल्स हैं, कार ही नहीं, जो आपका ट्रक है या आपकी जो बस है, ट्रैक्टर है, उनके अंदर हम जो बैटरी का यूज करते हैं वो बैटरी कौन सी हो जाएगी? सेकेंडरी बैटरी हो जाएगी। तो सेकेंडरी सेल को हम यूज कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इस रिएक्ट जब हम रिएक्शन देखेंगे तो रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बनेगा, जब हम यूज कर रहे हैं, जब यूज कर रहे हैं उस टाइम आपका रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, जब हम रिचार्ज करेंगे उसको यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्या होगा कि प्रोडक्ट से वापस क्या बन जाएगा? रिएक्टेंट बन जाएगा। कब? जब उसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे। इलेक्ट्रिसिटी पास कराने के बाद प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन जाएगा, पहली बात। तो रिएक्टेंट वापस प्रोडक्ट बनेगा, यानी ये प्रोसेस होता रहेगा। यानी रिएक्शन जो इलेक्ट्रोड पे हो रही है, जैसे अभी हम बात की है एनोड एट कैथोड और नेट रिएक्शन ऑफ सेल, वो जो रिएक्शंस हैं वो आपकी रिवर्स डायरेक्शन में टेक्स प्लेस हो जाती है बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सोर्स। तो इसलिए हम इसको बार बार यूज कर सकते हैं। गुड सेकेंडरी सेल का मतलब क्या होता है? अंडरगो ए लार्ज नंबर ऑफ डिस्चार्जिंग एंड चार्जिंग साइकिल, मतलब बार बार डिस्चार्ज हो रहे, बार बार हम चार्ज कर रहे हैं, ये जो नंबर संख्या हो जाता है, ऐप देखा होगा आपने, चाहे वो आपके मोबाइल फोन की बैटरी हो, चाहे आपके इन्वर्टर की बैटरी हो, कुछ सालों के बाद तो आपको चेंज करवानी ही करवानी पड़ती है, क्योंकि आपने इनके कुछ साइकिल बने होते हैं। भी आप मान लीजिए जैसे 500 बार डिस्चार्ज होगी, 500 बार चार्ज होगी, उसके बाद उसकी लाइफ कम हो जाएगी, उसके बाद उनकी रोड वगैरह की रिपेयरिंग करनी पड़ेगी, उसको दोबारा से प्रिपेयर किया जाएगा, ठीक है। बट अगर आप बात करें तो इसकी लिमिट तो है ना, पर मान लो एक बैटरी ऐसी जिसको हम 500 बार डिस्चार्ज, 500 बार चार्ज कर सकते हैं, और एक बैटरी अगर ऐसी है जिसको हम 1000 बार डिस्चार्ज और 1000 बार चार्ज कर सकते हैं, तो इसका मतलब वो जो 1000 साइकिल वाली जो बैटरी है वो काफी ज्यादा अच्छी बैटरी है। तो गुड सेकेंडरी सेल कैन अंडरगो ए लार्ज नंबर ऑफ डिस्चार्जिंग एंड चार्जिंग साइकिल। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकेंडरी सेल इज द लेड स्टोरेज सेल। वैसे तो सेकेंडरी सेल की एग्जाम्पल दो आएंगे, एक निकल कैडमियम स्टोरेज सेल आता है और एक लेड स्टोरेज सेल होता है। जो आप घरों में इन्वर्टर की बात करें या फिर ऑटोमोबाइल की जो इंजन रन करने के लिए अगर मैं बात करूं, तो जो बैटरी का यूज किया जाता है लेड स्टोरेज बैटरी का यूज किया जाता है। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, ये जो बैटरी है वो दोनों ही काम करेगी, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह काम करेगी और ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह भी काम करेगी। आप पूछोगे जी कैसे? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता था? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता था। यानी जैसे ही हम इंजन को रन करवाते हैं, इंजन को स्टार्ट करते हैं, जैसे ही इंजन को स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है कि उस बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होती है उसकी सहायता से, सॉरी, जो केमिकल एनर्जी होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम इंजन को रन करवाते हैं। पर जैसे ही इंजन स्टार्ट हो जाता है तो उसके साथ कनेक्शन क्या होता है? डायनमो का। डायनमो स्टार्ट हो जाता है और डायनमो उसको चार्ज करना स्टार्ट करता है। तो आफ्टर इंजन स्टार्ट होने के बाद आपके पास बैटरी चार्ज होना स्टार्ट हो जाती है। इसका मतलब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई कर रहे हैं और किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। जब डायनमो इसको सप्लाई दे रहा है, डायनमो क्या कर रहा है? लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, उस इलेक्ट्रिसिटी से हम उसको चार्ज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपका वो किस सेल की तरह काम कर रहा है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह काम कर रहा है। जबकि जब उसको स्टार्ट, गाड़ी को हम स्टार्ट कर रहे थे तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात कर रहा था, मतलब लाइट चली जाए तो इन्वर्टर की बैटरी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। पर जब लाइट आ जाए, जब इन्वर्टर चार्जिंग के दौरान की हम बात करें, तो हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी उसको दे दी है, तब वो किसका काम कर रही है? तब वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का काम कर रही है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम पढ़ लेते हैं लेड स्टोरेज बैटरी क्या होती है। बिल्कुल आसान में मेथड से, आसान वे से, इजी वे से मैं आपको इसको समझाऊंगा। रिएक्शन याद करना कोई मुश्किल काम नहीं है, समझ के करोगे बिल्कुल आसानी से आपकी रिएक्शन याद हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं लेड स्टोरेज बैटरी। वही बातें होंगी, आपको तीन पॉइंट याद रखने हैं। फर्स्ट, एनोड क्या है, कैथोड क्या है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, उनके बारे में लिख देंगे।
फिर थोड़ा सा उस बैटरी के बारे में बता देंगे, उसके बाद रिएक्शन एट एनोड बता देंगे, रिएक्शन एट कैथोड बता देंगे, दोनों को जोड़कर ओवरऑल रिएक्शन निकाल देंगे, बस हो जाता है आपका बैटरी या सेल। मुश्किल थोड़ी ना है। तो देखिए, मैं बात करूं एनोड, मैं बात करूं कैथोड की, और मैं बात करूं इलेक्ट्रोलाइट की, तो तीन तो देखो आपको याद करने पड़ेंगी। एनोड होता है इसमें लेड, कैथोड होता है लेड ऑक्साइड, और इलेक्ट्रोलाइट होता है इसमें डाइल्यूट H2SO4। मैं दोनों सेल की कंपेयर भी करवा दूंगा, दोनों को आपको ये भी दिखा दूंगा कि मैंने एक ही मेथड से किया है, कोई अलग मेथड मैंने लगाया नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ लेड, लेड हो गया एनोड, एंड ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड विद लेड डाइऑक्साइड। जो ग्रिड है लेड का वो पैक किया गया किसके साथ, लेड ऑक्साइड यानी PbO2 लिख दिया, मेन हमारा वही है, एज कैथोड। 38% सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड यूज इन इलेक्ट्रोलाइट। बस वही बात है, तीन पॉइंट लिखे, याद किए, बिल्कुल आसान जी। यहां तक आ गया समझ में, अब आगे देखते हैं। द सेल रिएक्शन व्हेन द बैटरी आर यूज इन गिवन बिलो। एनोड पे रिएक्शन हो रही है, कैथोड पे रिएक्शन हो रही है, ओवरऑल रिएक्शन हो रही है, हमें नहीं पता ठीक क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हमें नहीं पता, बट हम इस इक्वेशन को लिख पाएंगे बिल्कुल आसानी से, लिख पाएंगे बिल्कुल आसानी से। देखिए कैसे, तो चलिए इसको फिर से मैं मिनिमाइज कर देता हूं, और फिर मैं आपको बात करूं कि रिएक्शन मैंने कैसे बनाई। मैंने ही नहीं, आप भी, गारंटी देता हूं आज के बाद इन रिएक्शन को नहीं भूलूंगा। सॉरी, इरेज करना था, मेरा वाला पोर्शन ना चला गया। जस्ट ए मिनट, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। देखिए भाई, सबसे पहले एनोड, एनोड की बात करें तो लेड, कैथोड, कैथोड की बात करें तो लेड ऑक्साइड, स्ट्रक्चर वगैरह मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखा दूंगा। इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो H2SO4, और H2SO4 क्या देगा आपको, H पॉजिटिव और SO42 नेगेटिव। मरकरी की बात करूं मैं वापिस, एनोड क्या था मेरे पास, जिंक, कैथोड क्या था, मर्करी ऑक्साइड, इलेक्ट्रोलाइट क्या था, KOH, के पॉजिटिव प्लस ओ सी। कैसे किया था उस रिएक्शन को, सबसे पहले एट एनोड लिखा, एनोड पे लिखेंगे तो क्या बनेगा, एनोड पे लिखने के बाद जैसे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, तो Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लिखा, फिर ये जो पॉजिटिव बना वो इलेक्ट्रोलाइट में अपोजिट चार्ज आयन के साथ रिएक्शन किया, जैसे वहां पे OH नेगेटिव था, उसके साथ रिएक्शन करके जिंक ऑक्साइड प्लस वाटर बनाया। ठीक, यही कंसेप्ट हमें यहां लगाना है, सेम कंसेप्ट हमें यहां पे लगाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं बात करूं एट एनोड की, तो एनोड पे कौन है, लेड, और एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडेशन क्या होती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, तो पी लेड ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, यानी पीबी से बन गया PB2 पॉजिटिव। अब जैसे Zn2 पॉजिटिव बना, वो इलेक्ट्रोलाइट में जो नेगेटिव पार्ट था उसके साथ रिएक्शन किया, तो हमारा यहाँ पे नेगेटिव पार्ट कौन है, SO42 नेगेटिव है, तो PB2 पॉजिटिव जो है वो SO42 नेगेटिव के साथ रिएक्शन करेगा। अब आप आसानी से बता पाओगे क्या बन जाएगा, लेड सल्फेट बन जाएगा। अब इन दोनों रिएक्शन को हम ऐड कर देंगे तो हमारी नेट रिएक्शन एट एनोड आ जाएगी, नेट रिएक्शन एट एनोड आ जाएगी। नेट रिएक्शन एट एनोड की बात करें तो क्या लिखेंगे, PB2 पॉजिटिव से PB2 पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, जैसे इसमें भी हमने ऐड करके Zn2 पॉजिटिव से Zn2 पॉजिटिव क्या किया था, कैंसिल किया था, तो PB प्लस SO42 नेगेटिव, एरो का साइन, PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। क्या वेरीफाई करवाने की जरूरत है, किसी बच्चे को डाउट है तो वेरीफाई करवा देता हूँ, ये लो देख लो, एनोड की रिएक्शन देख लो क्या है, PB प्लस SO42 नेगेटिव, एरो का साइन PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। क्या यही हमारी रिएक्शन आई, भले हमने उसको टुकड़ों में किया हो, पर रिएक्शन तो यही आई होगी। ठीक है, अब बात करते हैं कैथोड की। एट कैथोड, अगर हम एट कैथोड की बात करें तो कैथोड पे क्या है, लेड ऑक्साइड है। ये जो लेड ऑक्साइड है वो क्या करेगा, वो आपके पास करेगा रिडक्शन। रिडक्शन क्या होती है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन क्या होती है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे देखिए, यहां पे जो आपके इलेक्ट्रॉन तो आएगा तो गेन करेगा, प्लस ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है
वो इलेक्ट्रोलाइट में से एच पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करेगा, तो क्या बना लेगा चेक करो, पी भी टू पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है जी, प्लस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बना लेंगे, वाटर बना लेंगे। बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने, दो, तो इसको दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाइड्रोजन चार तो चार से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर टू पॉजिटिव चार्ज है तो यार टू से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये जो पी भी टू पॉजिटिव बना है वो भी तो रिएक्शन करेगा, वो किसके साथ रिएक्शन करेगा, वो करेगा एसओ फोर टू नेगेटिव के साथ रिएक्शन करेगा। अगर ये एसओ फोर टू नेगेटिव के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बन जाएगा आपका लेड सल्फेट यानी पी बी एस ओ फोर। अब इन दोनों को रिएक्शन को जोड़ देंगे और दोनों रिएक्शन को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास नेट रिएक्शन निकल जाएगी कहाँ की, कैथोड की, तो नेट रिएक्शन एट कैथोड, नेट रिएक्शन ऑफ कैथोड पे क्या होगा, देखिए ध्यान से, पी बी टू पॉजिटिव से पी बी टू पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, पी बी ओ टू प्लस फोर एच पॉजिटिव प्लस एस ओ फोर टू नेगेटिव प्लस टू इलेक्ट्रॉन, एरो का साइन लगा देंगे। अब एरो से जो आके बचे हैं उसको लिख देते हैं, तो क्या लिख देंगे, पी बी एस ओ फोर प्लस टू एच टू। अब देखो अगर मैं आपको थोड़ा सा क्लियरिफाई करूं तो देखिए यहां पर ये वाली जो रिएक्शन है वो एनोड की है, ये वाली रिएक्शन यानी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये वाली जो इक्वेशन है वो आपकी कैथोड की, इक्वेशन नंबर सेकंड। नेट रिएक्शन निकालने के लिए हम इस सेल को रिएक्शन को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। नेट रिएक्शन ऑफ सेल निकालने के लिए इन दोनों रिएक्शन को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो मैं ये कहूं कि ओवरऑल रिएक्शन ऑफ सेल, ओवरऑल रिएक्शन ऑफ सेल कितनी, दोनों को जोड़िए, तो ये आपको थोड़ा सा इसीलिए कलर चेंज किया था कि आपको पता चल जाए कि दोनों को ऐड करें तो क्या, इसमें दो इलेक्ट्रॉन एरो से इधर है, प्रोडक्ट साइड है, इसमें रिएक्टेंट साइड है, दो इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। तो एक तो हमारा पी बी, एक हमारे पास है पी बी ओ टू यानी लेड ऑक्साइड, फोर एच पॉजिटिव है। अब देखिए एक एसओ फोर टू नेगेटिव यहाँ पर, एक आपके ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, टू एसओ फोर टू नेगेटिव आ जाएगा, फिर एरो का साइन लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे एक पी बी एसओ फोर है और इक्वेशन फर्स्ट में भी एक पी बी एसओ फोर है, तो कितना आ जाएगा, टू पी बी एसओ फोर प्लस टू एच टू, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा, वैसे तो इक्वेशन रेडी है पर थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर देता हूँ, पी बी प्लस पी बी ओ टू प्लस ये दोनों मिलकर देखो क्या बना सकते हैं, एच पॉजिटिव एसओ फोर नेगेटिव एच टू एसओ फोर यानी इलेक्ट्रोलाइट टू टाइम्स में, एरो का साइन लगाया, जो बचा हुआ जो प्रोडक्ट है आप लिख सकते हो, तो ये आपकी नेट रिएक्शन ऑफ सेल बन गई, क्या बन गई, नेट रिएक्शन ऑफ सेल बन गई। अब बच्चों अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो आपको ये पता चल गया होगा कि इसके अंदर जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है वो कंज्यूम हो रहा है, देखो इलेक्ट्रोलाइट जो है वो कंज्यूम हो रहा है, एच टू एसओ फोर टोटली कंज्यूम हो रहा है, इसका मतलब इसकी लाइफ क्या होगी, वैसे कम होगी, लाइफ का मतलब चार्जिंग वाली, जैसे आपने देखा होगा लैपटॉप की बैटरी, क्या जो हमारी ड्राई सेल और मर्करी सेल के जितना चलते हैं, क्या हमारी मोबाइल फोन की बैटरी चलती है, क्या इन्वर्टर की बैटरी चलती है कि एक बार चार्ज कर लिया छः छः महीने चार्ज ना करना पड़े, भले ही वो एक अलग बात है कि हम रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा है पर ऐसा सेल तो नहीं बना पाए ना। यहाँ पे एक्स टू फोर कंज्यूमर है, इसका मतलब इसकी चार्जिंग की जो एनर्जी देने की जो लाइफ है वो कम होगी, आपको जल्दी ही रिचार्ज करने की जरूरत पड़ेगी, जल्दी अगर आप इसको चार्ज करोगे तो क्या होता है, ड्यूरिंग द रिचार्जिंग ये रिएक्शंस आपकी अपोजिट हो जाती है, तो उसकी भी चर्चा कर लेते हैं, जस्ट ए मिनट। अगर हम इसके चार्जिंग की बात करें, चार्जिंग के टाइम में क्या होता है, तो ड्यूरिंग चार्ज, जब इसको चार्जिंग हो रहे हैं उस टाइम आपका, मैंने कहा कि रिएक्शन जो इलेक्ट्रोड पे होती है वो रिवर्स डायरेक्शन में हो जाती है, तो रिवर्स डायरेक्शन में जब रिएक्शन होगी तो क्या बनेगी, देखो ये आपका प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट हो जाएगा, रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट बन जाएगा यानी टू पी बी एस ओ फोर प्लस टू एच टू, पर एरो के साइन के ऊपर आपको लिखना पड़ेगा क्या, इलेक्ट्रिसिटी, क्या लिखना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो क्या बन जाएगा, लेड बन जाएगा प्लस लेड ऑक्साइड बन जाएगा प्लस टू एच टू सो फोर बन जाएगा। भले ही मैंने रिएक्शन के काफ़ी पार्ट बनाए बट मैंने कंसेप्ट एक ही रखा है, और वो कंसेप्ट क्या है, वो कंसेप्ट पहले आप देखिए चार्जिंग वाली ही गायब होगी, कोई बात नहीं, इतना आपको पता है।
एनोड पे क्या करेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करने के बाद चार्ज आता है उसको इलेक्ट्रोलाइट के साथ रिएक्शन कराएंगे। ऐसा यहां करवाया, बस ऐसा ही हमने मरकरी के अंदर भी किया था, मैंने साइड में आपको समझाया भी था। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया, आपको लगता है कि ये सेल हमें समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को क्या करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ क्या करें, शेयर करें। मुश्किल नहीं लगेगी आज के बाद आपको सेल की रिएक्शन को याद करना, ठीक है। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए इसके थोड़ा सा और, ये है इसका डायग्राम। देखो इसके बीच में जो डाइल्यूट H2SO4 है वो 38% होते हैं। नेगेटिव प्लेट्स लेड ग्रिड फिल्ड विद स्पॉन्जी लेड, मतलब इसके अंदर आपके पास क्या होगा, ये जो लेड की है जो आपको ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है। पॉजिटिव प्लेट्स लेड ग्रिड विद फिल्ड विद PbO2, ये लेड ऑक्साइड हमने लगा रखा है, ठीक है। ये आपका कैथोड वाला लेड ऑक्साइड हो गया। सिंपल बनाना तो ऐसे बना सकते हो इस सेल को, जैसे मतलब एक कंटेनर टाइप लिया, इसमें अलग अलग रोड यूज कर लो, थोड़ा सॉरी बड़ा बन गया, 1 2 3, ठीक है। इसी प्रकार मैं डिफरेंट कलर से बना देता हूँ, 1 2 3, आप थोड़ा अच्छा बना लेना, मैं आपको सिंपली समझा, आप इक्वल कर लेना इन रोड को, ठीक है। और इसके अंदर मैं बात करूँ तो H2SO4 ले लेते हैं यहाँ पे, सॉरी ये तो मिक्सअप हो जाएगा ना, रोड दिखाई नहीं देगी हमारी। चलो इसको हम ऐसे कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका डाइल्यूट H2SO4। अब क्या करेंगे, वन बाई वन कनेक्ट कर दो, जैसे ये वाली जो है ये ब्लैक वाली रोड है, उनको आप एक साथ कनेक्ट कर दो। इनको आप ले लो कैथोड या एनोड, कुछ ही मान लो, जैसे मैं एनोड मान लेता हूँ इसको, तो एनोड होगी आपकी लेड, ठीक। अब जो बच गई उसको हम कैथोड कंसीडर करके चलेंगे, इनको भी कनेक्ट कर देते हैं, इनको एक साथ कनेक्ट कर देंगे, ये आपकी कैथोड होगी और ये किसकी बनी है, लेड ऑक्साइड की। और ये जो बच गया वो कौन सा, इसमें डाइल्यूट H2SO4 38%, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, ऑन चार्जिंग द बैटरी द रिएक्शन इज रिवर्स्ड एंड PbSO4 ऑन एनोड एंड कैथोड इज कन्वर्टेड इनटू लेड एंड लेड ऑक्साइड। तो आपका जो PbSO4 है वो आपका वापस चेंज हो जाता है किसके अंदर, लेड और लेड ऑक्साइड के अंदर, जैसी मैंने रिएक्शन आपको दिखाई। कॉमनली यूज इन ऑटोमोबाइल्स एंड इन्वर्टर, मुझे लगता है कि मैंने इतनी बातें आपको बता दी जो आपकी नॉलेज के लिए काफ़ी है। आपको उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक भी समझ में आएगा, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रिएक्शन जितनी बताई है वो भी समझ में आई है, उम्मीद करता हूँ कि आपको लेड स्टोरेज सेल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं नेक्स्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेता हूँ, हमारे सिलेबस में वैसे कमी है, निकल कैडमियम सेल। अनदर इंपॉर्टेंट सेकेंडरी सेल इज द निकल कैडमियम सेल विच हैज लॉन्गर लाइफ देन द लेड स्टोरेज। हाँ ये कह सकते हो कि इसकी लाइफ जो होती है वो लाइफ थोड़ी ज्यादा होती है, लाइफ जो होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है, किससे, लेड स्टोरेज सेल से। बट मोर एक्सपेंसिव टू मैन्युफैक्चर, बट महंगा भी होता है। विच सेल नॉट गो इन टू डिटेल्स ऑफ वर्किंग ऑफ दिस सेल एंड द इलेक्ट्रोड रिएक्शन ड्यूरिंग चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। ये कह रहा है हम डिटेल में नहीं जाएंगे, फिर भी अगर आपको इसकी डिटेल जाननी है कि कैसे एट द एनोड रिएक्शन हुई, कैसे एट द कैथोड रिएक्शन हुई, और जैसे आपको नीचे लिख रखा है ये रिएक्शन कैसे बनी, तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बता दें। अगर आप ज़्यादा बच्चों को ये समझना होगा तो मैं जरूर इस पे एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। तो ये आपके पास एक्सपेंसिव सेल होता है, निकल कैडमियम स्टोरेज होता है, कैडमियम प्लस निकल हाइड्रोक्साइड, कैडमियम ऑक्साइड प्लस निकल हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर बनता है, ठीक है। और ये डायग्राम आप देख सकते हो, तो थोड़ा सा बस ध्यान रखना निकल कैडमियम सेल का है,
ये थोड़ा सा इसकी लाइफ की बात करें तो लाइफ ज़्यादा होती है लेड स्टोरेज सेल से, इसको भी आप बार बार चार्ज कर सकते हो। और बट थोड़ा सा ये एक्सपेंसिव होता है, थोड़ा सा महंगा होता है, ठीक है। रिएक्शन नेट रिएक्शन लिख दिया, बट डिटेल्स ऑफ वर्किंग ऑफ दिस सेल एंड द इलेक्ट्रोड रिएक्शन है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आपका बहुत इंपॉर्टेंट सेल आ जाता है फ्यूल सेल। ऐसा कोई सेल जिसमें हम कोई फ्यूल दे उसको, वो फ्यूल कैसा भी हो सकता है, वो फॉसिल फ्यूल्स भी हो सकता है। कैसा हो सकता है? फॉसिल फ्यूल्स भी हो सकता है, ठीक है। देखिए भाई, आपका इंपॉर्टेंट सेल आ चुका है फ्यूल सेल, और फ्यूल सेल की अगर मैं बात करूं तो मतलब इस सेल को फ्यूल की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? फ्यूल की। जैसे आपको इसको फ्यूल दोगे, फ्यूल देने के बाद अगर ये आपके पास कन्वर्ट हो जाता है, या हम के उस फ्यूल को कन्वर्ट कर देता है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो उसको हम बोलते हैं फ्यूल सेल। खासकर हम फॉसिल फ्यूल्स होते हैं उनका यूज करेंगे, और उनका यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी बना पाए तो अच्छा है। तो ऐसे सेल को हम फ्यूल सेल बोलते हैं। एनी ऑफ ए क्लास ऑफ डिवाइस दैट कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी ऑफ ए फ्यूल डायरेक्ट इन टू इलेक्ट्रिसिटी बाई इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। ऐसा किसी भी कैसे भी डिवाइस की हम बात करें जो केवल कन्वर्ट कर दे केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल सेल डायरेक्टली इन टू इलेक्ट्रिसिटी बाई इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, यानी जो केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल को डायरेक्टली कन्वर्ट कर दे किसके अंदर? इलेक्ट्रिसिटी के, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल, सॉरी, उसको हम बोलते हैं फ्यूल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। गैल्वेनिक सेल दैट आर डिजाइन टू कन्वर्ट द एनर्जी ऑफ कंबस्टन ऑफ फ्यूल लाइक हाइड्रोजन, मीथेन, मेथेनॉल, ईटीसी। ऐसे हम फ्यूल यूज कर सकते हैं डायरेक्टली इन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आर कॉल्ड फ्यूल सेल। है तो गैल्वेनिक सेल ही, पर वो इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं कि वो कंबस्टन ऑफ फ्यूल जैसे हाइड्रोजन, मीथेन, एथेनॉल, इनकी जो एनर्जी होती है, जिसको जलने से जो एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी को डायरेक्टली हम कन्वर्ट कर दें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उसको हम बोलते हैं फ्यूल। देखिए समझाना, फिर वही बात, हमें तीन पॉइंट याद करनी। एट एनोड, एनोड कौन है? कैथोड क्या है? इलेक्ट्रोलाइट क्या है? एट एनोड, एट कैथोड, एट इलेक्ट्रोलाइट, तीनों रिएक्शन करवा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगी, आज के बाद नहीं भूलोगे, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। देखिए इसमें ये सेल का डिजाइन देख लेते हैं। हाइड्रोजन एनोड की तरफ है तो ये हमारा एनोड का काम करेगा, कैथोड की तरफ ऑक्सीजन है तो मैं कैथोड पे ऑक्सीजन लिखूंगा, और एक्वस इलेक्ट्रोलाइट मतलब आपका जैसे KOH, NaOH, वाटर भी लिख रखा है, तो मेन इसके अंदर क्या हो जाएगा? OH नेगेटिव हम यूज करेंगे, बस बात खत्म। अब मैं आपको इसकी रिएक्शन समझा देता हूँ, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे और जो लिख रखा है वो भी हम देखेंगे। देखिए इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, जस्ट ए मिनट। चलो जी, आपको जब हम कहें प्रकट होने के लिए तो हो जाना, जरूरत पड़ी तो हम आपको याद करेंगे। चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। एनोड कौन है? एनोड बताया आपने हाइड्रोजन, ठीक है जी। कैथोड कौन है? कैथोड तो जी आपने बताया था ऑक्सीजन, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट पे कौन है? इलेक्ट्रोलाइट पे मेन हमारा क्या था? OH नेगेटिव, चाहे वन ने हो, के एच ओ, एच टू, थोड़ा सा हमने एक्वस इलेक्ट्रोलाइट लेकर। अब बताओ एट एनोड क्या होता है? तो आपको भी जी एनोड पे तो ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो क्या बन जाएगा? एच पॉजिटिव बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। वेरी गुड, ये बात तो आगे हमें भी समझ लो, मुश्किल नहीं लगा हमें। अब मैंने क्या कहा था, जैसे मरकरी में भी किया था और लेड में भी किया था, लेड स्टोरेज सेल में भी तो किया था, कि जो लेड टू पॉजिटिव जब एनोड पे बन जाता है, जो पॉजिटिव चार्ज वाला होता है, वो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो नेगेटिव वाला पार्ट होता है, पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव वाले पार्ट के साथ रिएक्शन करता है। ऐसा ही किया था क्या लेड स्टोरेज के अंदर? मरकरी के अंदर क्या किया था कि जो मरकरी सेल के अंदर जो जिंक था, वो जिंक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता था। अब जो पॉजिटिव चार्ज बना, मतलब Zn2 पॉजिटिव आयन बना, पॉजिटिव आयन जो था वो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो नेगेटिव पार्ट था उसके साथ रिएक्शन करता था, क्या ऐसा ही होता ना? बिल्कुल सही। तो हमें यहाँ क्या दिक्कत है? एनोड पे हमने लिखा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन करवा दी। अब जो पॉजिटिव पार्ट बना वो इलेक्ट्रोलाइट के साथ रिएक्शन करेगा, इलेक्ट्रोलाइट में क्या आपका OH नेगेटिव, इसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा, एच पॉजिटिव, OH नेगेटिव, वाटर। अब हम नेट रिएक्शन ऑफ सेल निकालेंगे, सॉरी एनोड निकालेंगे पहले तो, सॉरी नेट रिएक्शन एट एनोड। एनोड पे दो रिएक्शन होगी तो हम एक ही रिएक्शन बनाएंगे एनोड की। नेट रिएक्शन ऑफ एनोड पे हम बनाएंगे तो देखिए क्या बनेगा, आपके पास यहाँ पे टू एच पॉजिटिव, तो इस पूरे को हम टू से मल्टीप्लाई कर देंगे,
टू से मल्टीप्लाई करेंगे, टू एच पॉजिटिव, टू एच पॉजिटिव का जो कैंसिल, क्या बनेगा, एच टू प्लस टू ओ एच नेगेटिव, एरो का साइन, टू एच टू ओ प्लस टू इलेक्ट्रॉन। अब हम बात करते हैं कैथोड की, कि एड कैथोड क्या हो रहा है। अगर हम एड कैथोड की बात करें तो कैथोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे हमारे पास क्या ओ टू है। ओ टू जो है वही बात है कि जो वाटर और इलेक्ट्रॉन दिए इन्होंने, एनोड पे बने, वो आपके यहाँ पे रिडक्शन करेंगे। अब मैंने एक ट्रिक बताई थी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, वाटर। और वाटर जब पहले से बना हो तो क्या बना देंगे, ओ एच नेगेटिव, बात खत्म। ऑक्सीजन कितने हैं, दो और एक तीन, हाइड्रोजन कितने हैं, दो। तो हम इसको बैलेंस कर सकते हैं, और बैलेंस कैसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ अगर मैं दो से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ऑक्सीजन हो जाएंगे चार, हाइड्रोजन भी हो जाएंगे चार, और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास फोर नेगेटिव। अब ध्यान से देखिए, अब मैं ओवरऑल रिएक्शन निकाल रहा हूँ सेल की, ओवरऑल रिएक्शन ऑफ सेल, और कौन सा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। इसकी हम बात करें तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए, मैं आपको बता देता हूँ किस किस को हमें ऐड करना है। एक तो ये रिएक्शन आपकी, एक रिएक्शन ये, इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है जी। और इसमें दो इलेक्ट्रॉन, इसमें चार इलेक्ट्रॉन, इसको टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे लिख देता हूँ क्या बनेगा, टू एच टू प्लस फोर ओ एच नेगेटिव, फोर एच टू ओ प्लस फोर इलेक्ट्रॉन। अब इस इक्वेशन को ऐड करें, अगर हम अब इस इक्वेशन को ऐड करते हैं, देखते हमारे पास क्या क्या, फोर ओ एच नेगेटिव से फोर ओ एच नेगेटिव कैंसिल, फोर इलेक्ट्रॉन से फोर इलेक्ट्रॉन कैंसिल, क्या बचा है उसको लिख लेते हैं। देखिए टू एच टू प्लस ओ टू, टू एच टू प्लस ओ टू, ये टू एच टू है, इस टू एच टू को हम एरो के इधर सपोज कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, प्लस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस का, जैसे मैथमेटिक्स में करते हैं वैसे ही करना। यहाँ पे फोर है, इधर आकर माइनस का टू, फोर प्लस का माइनस का टू, तो कितना बचेगा, टू एच टू, वेरी गुड। ये इक्वेशन तो वही इक्वेशन, बिल्कुल सिंपल, नेट रिएक्शन ऑफ सेल तो यही है, कि जैसे हम वाटर बनाने के लिए इक्वेशन यूज करते थे, जब केमिस्ट्री सीखते हैं तो सबसे पहले आसान सी इक्वेशन ये कराते हैं कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म वाटर, क्या वही रिएक्शन है। इसका मतलब ये तो बहुत ही अच्छा सेल है, इसके अंदर तो कोई हमें ऐसा बाई प्रोडक्ट या प्रोडक्ट नहीं मिल रहा जो एनवायरनमेंट के अंदर पोल्यूशन क्रिएट करता हो, ये तो बहुत ही अच्छी बात हुई। यानी नेट रिएक्शन आपकी बनाई, पर मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने आपको अलग अलग पार्ट समझाया, मैंने मेथड एक रखा है, चाहे वो आपका मर्करी सेल हो, चाहे आपका वो लेड स्टोरेज सेल हो, चाहे आपका फ्यूल सेल हो, पहले एनोड पे रिएक्शन बनाएंगे, फिर कैथोड पे बनाएंगे, भले ही रिएक्शन ज़्यादा बन रही हो, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेथड अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और आज के बाद आप इन रिएक्शन को रटने के बजाय सीखोगे और लिखोगे, ठीक है। चलिए दो एक पॉइंट और पढ़ लेते हैं इसका। वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फ्यूल सेल यूज द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। जस्ट ए मिनट, टू फॉर्म वाटर, द सेल वॉज यूज फॉर प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिकल पावर इन द अपोलो स्पेस प्रोग्राम। द वाटर वेपर्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन वर कंडेंस्ड एंड एडिड टू द ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई फॉर द एस्ट्रोनॉट। वाह, वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात बताई है। क्या बात बताई है कि जो वाटर बना उसका भी हम यूज कर सकते हैं, देखा, कोई बाई प्रोडक्ट नहीं बना, बहुत अच्छी बात। इन द सेल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर बबल्ड थ्रू कार्बन इलेक्ट्रोड्स इंटू कंसनट्रेटेड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। कैटलिस्ट लाइक फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम और प्लेडियम मेटल्स आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू द इलेक्ट्रोड्स, इसको इलेक्ट्रोड के अंदर डाला गया है फॉर इंक्रीजिंग द रेट ऑफ इलेक्ट्रोड रिएक्शन, ताकि जो इलेक्ट्रोड रिएक्शन उसका रेट इंक्रीज हो जाए। द इलेक्ट्रोड रिएक्शन आर गिवन बिलो, कैसे है ये हमें नीचे लिखिए, गिवन बिलो, एनोड पे क्या है, टू एच टू प्लस फोर ओ एच नेगेटिव, फोर एच टू ओ प्लस इलेक्ट्रॉन, ऐसी इक्वेशन मैंने बनाई है, देखो टू एच टू ओ प्लस फोर ओ एच नेगेटिव फोर एच टू, भले ही हमारा मेथड अलग रहा हो, कैथोड पे ओ टू प्लस टू एच टू ओ फोर इलेक्ट्रॉन फोर एच नेगेटिव, दोनों को जोड़ देंगे तो नेट रिएक्शन ऑफ सेल भी आ जाएगी, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, टू एच टू प्लस ओ टू टू फॉर्म वाटर। चलिए ओवरऑल रिएक्शन भी आ गई, द सेल रन कंटिन्यूसली एज लॉन्ग एज द रिएक्टेंट्स आर सप्लाइड। ये सेल तब तक कंटिन्यूसली आपको सप्लाई देता रहेगा, तब तक आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता रहेगा जब तक आप उसको फ्यूल प्रोवाइड करवाते रहोगे। फ्यूल सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी विद एन एफिशिएंसी ऑफ अबाउट 70%, ये बहुत अच्छी बात है, इसकी एफिशिएंसी काफ़ी आई है 70% कंपेयर टू थर्मल प्लांट्स। थर्मल प्लांट्स में जब हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं तो उसकी एफिशिएंसी कितनी है, 40%। इसका मतलब अभी इस पर रिसर्च चल रही है,
फ्यूल सेल को भी हम डेली लाइफ में यूज करने के लिए हम इस पे विचार कर रहे हैं, इस पे रिसर्च चल रही है। बट इसके हम देखें तो काफ़ी फायदे हैं। ऐसा भी कोई प्रोडक्ट नहीं बना जो आपका एनवायरनमेंट पोल्यूशन को क्रिएट करता हो, ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं बना जो हमारे लिए हार्मफुल हो, और इसकी खास बात कि इसकी एफिशिएंसी बहुत ही हाई है। तो आई होप आपको जितना भी आज करवाया वो समझ में है। इसके साथ ही हमारा जो सेल और बैटरी का जो टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया। आज की वीडियो इतना ही। थैंक यू बच्चों।